हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डायनोफ्लाजेट का स्टडी करेंगे। तो इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मोनेरा के अंतर्गत आर्कियो बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा का स्टडी कर लिया था, और साथ ही साथ में किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत हमने क्राइसोफाइट्स का स्टडी किया था। आज हम फ्रेंड्स डायनोफ्लाजेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड नमस्कार, मैं हूँ सत्येंद्र सिंह और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल सत्येंद्र ज्ञान संसार में। तो फ्रेंड्स, डायनोफ्लैजलेट्स, जैसा कि आप जानते हैं, डायनो मीन्स दो और फ्लैजलेट्स मीन्स फ्लैजला, यानी कि दीज ऑर्गेनिजम्स में दो फ्लैजला होते हैं और दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मैरान होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मैन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल। यानी कि ये जो जीवधारी हैं मुख्यतः समुद्री होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं और इनमें उपस्थिति जो पिगमेंट होते हैं उनके आधार पर, पिगमेंट की प्रेजेंस के आधार पर, ये पीले, हरे, भूरे, नीले और लाल रंग के दिखाई देते हैं। तो इनकी जो द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस। ठीक है, ये देखिएगा जो स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स है इनके बाहरी सतह पर, बाह्य सतह पर, यानी कि इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं, स्टिफ सेलुलोज होती हैं इनके शरीर के बाहरी सतह पर। ठीक है, द सेल वॉल, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम हैज़ टू फ्लैजला। इनमें जो अधिकतर होते हैं डायनोफ्लैजेट्स उनमें दो फ्लैजला होते हैं, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। एक फ्लैजला होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है और दूसरा जो ट्रांसवर्सली होता है वो जो यहाँ पे भित्ति पट्टिकाएँ हैं उनके बीच में जो खाँच होती है उसमें उपस्थित होता है, यानी कि अदर ट्रांसवर्सली फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि जो रेड डायनोफ्लैजेट्स हैं उनका जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है वो एग्जाम्पल होता है ग्वाइनोलैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपियर रेड, जिसको रेड टाइड बोलते हैं। ठीक है, टॉक्सिन्स रिलीज बाई सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मैराइन एनिमल्स सच एज फिशेस। तो इनमें जो टॉक्सिन्स इस तरीके से बड़ी संख्या में जीव से निकले जो टॉक्सिन्स होते हैं उनसे मछली और अन्य जीव जो होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसके कारण कारण होता क्या है, जैसे कि समुद्र में लाल दिखने लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड टाइड्स। ठीक है, सी अपीयर रेड, रेड टाइड। तो रेड टाइड किससे होता है, रेड टाइड एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, ग्वानोलक्स में टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जिससे कि मछलियाँ के लिए बहुत ही ये नुकसानदायक होता है और वो मछलियाँ मर जाती हैं और अन्य जीव हैं वो भी मर जाते हैं। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में जिसमें कि इसमें यूग्लिनाइड्स है। तो देखिए, यूग्लिनाइड की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। जो अधिकांश यूग्लिनाइड्स होते हैं वो स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी होते हैं और ये स्थिर जल में पाए जाते हैं, स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाएंगे, स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाएंगे और फ्रेश वाटर में होते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। इनकी कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत होती है जिसे हम पेलिकल कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पेलिकल होता है, इसमें याद रखना है ये आपको ये चीज़। ठीक है, तो प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम पेलिकल कहते हैं इंस्टेड ऑफ सेल वॉल। ठीक है, कोशिका भित्ति की जगह क्या होती है, प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे हम पेलिकल कहते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या ऐसे, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। तो ये जो पेलिकल होती है ये जो इनकी संरचना को कैसा बनाती है, फ्लेक्सिबल बनाती है, लचीला बनाती है। दे हैव टू फ्लैजला, इनमें भी दो फ्लैजला होते हैं,
ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग वन, यानी कि एक तो फ्लैजला जो होता है वो एक छोटा होता है, दूसरा एक लंबा फ्लैजला होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो, दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉप्स बाई प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। देखिए, जब सूर्य की उपस्थिति होगी तो ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो ये अन्य जीवधारियों का शिकार करते हैं। ठीक है, और परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बिहेव लाइक ए फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बिहेव लाइक ए ऑटोट्रॉप्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और जब ये नहीं होगी तो बिहेव लाइक ए हेटरोट्रॉप्स और प्रेडेटिंग द अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, जो अदर छोटे छोटे एनिमल्स हैं उनका ये क्या करते हैं, उनकी ये प्रेडेटिंग करते हैं, उनका ये बच्चड़ करते हैं। ठीक है, क्या है कि इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्नोलाइट्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। ठीक है, तो इनमें जो पिगमेंट होता है जो यूग्नोलाइट में, वो जो उच्च पादप होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं, उनके समान होता है। तो एग्जाम्पल आप इसका याद रखेंगे, एग्जाम्पल क्या होता है, युगली ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो इसमें है वो हम देखते हैं, स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स को हिंदी में कहते हैं अवपंक फफूंद। ठीक है, अवपंक कवक। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं आर अवपंक कवक की बात करते हैं तो ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट प्रोटिस्ट। तो दे द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विंग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो इनकी क्या होती है, जो सड़ती हुई टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, उनके साथ गत करते हुए जैविक पदार्थों का ये बच्चन करते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विंग्स एंड लीव्स इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेट प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये आपको याद करना है कि क्या है कि जो प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या कब होता है, ये प्लाज्मोडियम होता है फॉर्म ए फेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, तो अंडर सुटेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में ये एग्रीगेट करके क्या बनाएंगे, प्लाज्मोडियम। विथ में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट्स। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन की बात करते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर एट देयर टिप्स। यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाएंगे, ये फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थिति में ये बिखर कर सिरों पर, यानी कि टिप पर, बियरिंग स्पोर एट देयर टिप्स। ठीक है, यानी कि फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं प्रतिकूल परिस्थिति में, ये इतना याद करिएगा। तो इन जीवा जब इन बीजाणुओं का जो होता है कहते हैं डिस्पर्जन, वो किसके थ्रू होता है, एयर करेंट्स के थ्रू होता है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। अब हम देखिए बात करते हैं नेक्स्ट जो सेगमेंट है इसमें, वो आपका है प्रोटोजोअन्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रोटोजोअन्स देखिए, प्रोटोजोअन्स जो होते हैं वो अमीबाइड्स हैं। ठीक है, अमीबाइड्स प्रोटोजोअन्स होते हैं, और फ्लैजलेटेड प्रोटोजोअन्स होते हैं, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स होते हैं, और स्पोरो जोन्स होते हैं। ये चार कैटेगरी में इनको आपको याद करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट दी अमीबाइड प्रोटोजोअन्स। देखिए, प्रोटोजोअन्स की पहले बात कर लेते हैं, क्या है जो प्रोटोजोअन्स होते हैं, आर प्रोटोजोअन्स आर हेटरोट्रॉप्स एंड लिव्स एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट। जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो परपोषी होते हैं, और यानी कि ये प्रेडेटर्स और पैरासाइट के रूप में रहते हैं। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स दे आर फॉर। ठीक है, तो ये प्राणियों के, यानी कि प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल है, यानी कि प्राणियों के पुरातन संबंधी हैं। ठीक है, ये प्रिमिटिव हैं एक तरीके से। तो अब हम देखते हैं ये चार कैटेगरी में इनको, मेजर ग्रुप में इसको, ग्रुप में प्रोटोजोन्स को चार समूहों में बांटा गया है। जैसे कि अमीबाइड प्रोटोजोन्स की बात करेंगे सबसे पहले, जो अमीबाइड हैं, तो दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मोस्ट सॉइल्स, यानी कि समुद्री जल में
और स्वच्छ जल में और नम जो मृदा होती है, मोस्ट सॉयल होती है, मॉइस्ट सॉयल होती है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाई पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, जो फॉल्स स्क्विड होते हैं स्यूडोपोडिया होते हैं, जैसे कि अमीबा में होता है। तो ये अपने जो फॉल्स स्क्विड की सहायता से जो प्रे होता है उसको पकड़ते हैं, फॉल्स स्क्विड की सहायता से। मैराइन फॉर्म्स हैव सिल्का सेल्स ऑन देयर सरफेस। ठीक है, तो जो समुद्री जो होते हैं, जो समुद्री प्रकार होते हैं, समुद्री प्रोटोजोन्स की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। ठीक है, सिलिका सेल्स होते हैं। ठीक है, अब सम ऑफ सच एंट अमीबा आर पैरासाइट, कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं जैसे कि एंट अमीबा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में। ठीक है, इसके बारे में फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन्स। तो देखिए, फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन्स की हम बात करते हैं तो फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन्स में देखते हैं हम कि किस तरीके से द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर एदर फ्री लिविंग्स और पैरासाइट, यानी कि इस प्रकार के मेंबर जो होते हैं फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन्स में फ्री लिविंग होते हैं और पैरासाइट होते हैं। ठीक है, और फिर क्या है, इनमें भी फ्लैजला होते हैं, दे है फ्लैजला। पैरासाइट फॉर्म्स कॉज डिसीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, जैसे कि ट्रेपैनोसोमा होती है। ठीक है, यानी कि जो फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं वो डिसीज कॉज करते हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीपिंग सिकनेस जो होती है वो ट्रेपैनोसोमा से होती है। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, यहाँ पे सिलिएटेड प्रोटोजोन्स की बात करते हैं। तो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, दे आर, ठीक है, तो आप देखिए सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में क्या है, दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गिजम्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या है कि इनमें हजारों संख्या में सिलिया होते हैं। ठीक है, और ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति से गति करने वाले जीवधारी होते हैं। जब इनमें थाउजेंड्स ऑफ सिलिया हैं तो सीधी सी बात है कि ये एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंतर्गत आ जाएंगे। दे हैव ए कैविटी गलट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। तो इनमें जो कैविटी होती है, गलट होती है, ठीक है, जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है, ठीक है, दैट ओपन टू आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ रोज ऑफ सिलिया कॉज द वाटर वाटर लेडन विथ फूड टू स्ट्रीड इन टू दी गैलेट। एग्जाम्पल्स का क्या है, सिलिएटेड का पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम। अब देखिए क्या है कि जो इनकी जो सिलियों की जो लयबद्ध गति होती है उसके कारण जल से पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है, यानी कि इनकी इस प्रकार की मूवमेंट होती है, इस प्रकार की इनमें गति होती है कि जो भोजन होता है वो वाटर लेडन यानी जल से पूरित भोजन जो होता है वो गलेट में भेज दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखिए नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं, इसमें जो स्पोरोजोन्स होते हैं। ठीक है, दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शस इन्फेक्शस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। तो इस समूह में विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है, यानी ये संक्रमण करेंगे, इन्फेक्शस क्रिएट करेंगे। मोस्ट नोटोरियस इन प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट, ठीक है, जो सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम होते हैं, मलेरिया परजीवी होते हैं, विच कॉज मलेरिया विच हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, जो कि मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ा है इससे। यानी स्पोरोजोन्स होते हैं जो क्या होते हैं, इन्फेक्सिस स्पोर लाइक स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल में। तो ये मोस्ट नोटोरियस जो है उसमें प्लाज्मोडियम है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, प्लाज्मोडियम है जो कि क्या करता है, ये मलेरिया का जो है, ये एक तरीके से मलेरिया पैरासाइट है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्टडी यहाँ पे किया है
प्रोटोजोअन्स के अंतर्गत अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स और फ्लिजलेटेड प्रोटोजोअन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स, स्पोरोजोअन्स। तो इस तरीके से आप इनको एक बार फिर से रिवाइज़ करिएगा और छोटे से पॉइंट टू पॉइंट में इनको आप बनाते चलिएगा नोट्स से एक तरीके से। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटेस्टा यहाँ से इस तरीके से कवर होता है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं किंगडम फंजाई और यहाँ से किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और इस तरीके से आप पढ़ते रहिए। और वीडियो पसंद आया तो इफ़ यू आर लाइक माई वीडियो देन क्लिक ऑन लाइक बटन, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग फर्स्ट ऑफ ऑल माई वीडियो देन प्रेस प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फर्दर प्रेस ऑन नोटिफिकेशन बेल फॉर दी फर्दर अपडेट्स, जिससे कि हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किया जाता है हम नोटिफिकेशन बेल प्रेस करेंगे सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे कि हमारा आपका वीडियो पहले ही पहले आप देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो फ्रेंड्स आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।